अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवीद अंजुम एंड अलॉन्ग विद मी इज सैयद आरिफ हुसैन। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही प्यारा है, बारिश हो रही है यहाँ पे सैतामा जापान के अंदर। और यहाँ पे क्योंकि हम इंजॉय भी कर रहे थे मौसम को साथ साथ, और मैंने सोचा कि जो क्वेरीज हमें रिसीव हो रही थी मैक्स्ट एम्बेसी रिकमेंडेड जो कि आजकल आई भी हुई है 2020 ईयर के अंदर, 2021 ईयर के लिए बैच के लिए इनटेक के लिए, तो मैंने सोचा कि जो क्वेरीज हमें रिसीव होती हैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो होते हैं मैं उनको आंसर कर दूं, ताकि जब स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हों तो उनको किसी कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े और इजीली इन चीज़ों को टैकल कर सकें, इन प्रॉब्लम्स को हल कर सकें। तो चलते हैं जो हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है उसकी तरफ। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है वो होता है कि क्या जो एप्लीकेशन फॉर्म जो हम फिल करते हैं वो हम बाय हैंड फिल करें या हम टाइप करके जो पीसी में जो टाइप करते हैं वो उस तरीके से जो है ना हम एप्लीकेशन को फिल करें। तो इसका आंसर ये है कि आप दोनों तरीके से इसकी जो एप्लीकेशन है वो फिल कर सकते हैं, आप बाय हैंड बाय रिटन भी कर सकते हैं और इसको टाइप भी कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर, वट एवर द सिस्टम यू आर यूजिंग। तो उसके साथ साथ जो है ना इसका फ़ायदा जो है ना सॉरी मैं इसका सलूशन जो है ना वो ये है कि आप कोशिश करें कि आप टाइप करें इसको। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये है कि इसकी जो क्लैरिटी होगी आपके टेक्स्ट की वो होगी, और इसके साथ साथ यू कैन मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर पर्पज़। आप अपने फ्यूचर के लिए जो है ना रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं कि आपने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, और जब आप एम्बेसी आपको कॉल करेगी फर्दर इंटरव्यू करे, जब आप स्क्रीनिंग में से पास हो जाएंगे तो उस टाइम आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें आपने लिखी थी और मैंशन की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डू आई हैव टू सर्टिफाई माई डॉक्यूमेंट्स, जो कि डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने होते हैं एप्लीकेशन के साथ जो आपने अटैच करने होते हैं एम्बेसी की तरफ, क्या वो अटेस्ट होने चाहिए सर्टिफाइड होने चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि पहले इनिशियल स्टेज पे जब वो आपकी पहले तो आपके स्क्रीनिंग करते हैं ना, उससे पहले जब पहले आप एप्लीकेशन भेज रहे होते हैं तो उस टाइम लाजमी नहीं होता कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी हैं मैट्रिक एफएससी के या आपने कोई ग्रेजुएशन की है वो एचईसी से अटेस्ट होना लाजमी नहीं है। हाँ, आप फॉर्मल अटेस्टेशन जो नॉर्मल होती है आप प्रोफेसर से करा सकते हैं, आप डिपार्टमेंट से करवा सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी से भी करवा सकते हैं, लेकिन रिक्वायर जो मैंडेटरी है वो आपकी जो लेटर स्टेज आती है ना जब इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाती है एम्बेसी रिकमेंड कर देती है तब जो है ना दे मे आस्क यू जो आपको अटेस्टेड प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं बाय एचईसी। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप एचईसी से जो है ना कोशिश करें कि पहले करा लें जस्ट इन केस। तो अगर आप पाकिस्तान किसी दूसरे कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप कॉन्टेक्ट करते हैं अपने जो आपकी वो है फॉरेन अफेयर्स जो आपकी है तो मिनिस्ट्री है उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना आप वो कर सकते हैं जी। तो जो थर्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या जापान डिमांड करता है कि जो बैंक स्टेटमेंट काफ़ी सारी कंट्रीज लाइक नॉर्वे या ऑस्ट्रेलिया ये डिमांड करते हैं कि 30 से 40 लाख आपकी जो ना आप शो कराएं कि आपके पास बैंक में पीछे मौजूद है आपके होम कंट्री में, तो क्या आप क्या जापान जो है ना ये डिमांड करता है? तो कोई इसका आंसर है कि नहीं, जापान ऐसी कोई डिमांड नहीं करता, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है कि क्या TOEFL IELTS या इस तरह का कोई जो इंग्लिश टेस्ट है वो सर्टिफिकेट ज़रूरी है सबमिट कराना? तो इसका आंसर है नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी। हाँ, अगर आपके पास है आपने आप टेस्ट में अपीयर हुए हैं आपके पास कोई अच्छे मार्क्स हैं तो आप ज़रूर जो है ना अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करें, और अगर आपके पास जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो एज एन अल्टरनेटिव वो बेहतर है जो ना एक अच्छा जो है ना वो देने के लिए इमेज करने के लिए आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आप अपनी पेरेंट यूनिवर्सिटी से हासिल कर सकते हैं वो आप लाजमी अटैच करना ना भूलें अगर आपके पास मौजूद है, अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आई एम आउटसाइड ऑफ माई कंट्री लाइक पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान से बाहर हैं तो वो पूछते हैं कि कैन आई अप्लाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जब आप एप्लीकेशन अगर आप किसी अपनी फैमिली के थ्रू या किसी के जरिए आप एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं, लेकिन जब वो आपको स्क्रीनिंग आपकी कर लेते हैं जब आपका जो प्रॉपर एग्जाम होता है वहाँ पे एम्बेसी के अंदर, उसके लिए आपका वहाँ मौजूद होना कंट्री के अंदर पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान से हैं तो वहाँ पे मौजूद होना लाजमी है, और जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है इंटरव्यू के लिए भी आपका वहाँ होना लाजमी है। सिक्स क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आई हैव अ बैचलर्स डिग्री, स्टूडेंट पूछते हैं कि उसके बावजूद मैं एक कोई और बैचलर्स की डिग्री जापान में लेना चाहता हूँ, क्या मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? मतलब है कि दो बैचलर्स की डिग्रीज वो यानी कि करने जा रहा होता है। तो मैं इसका जवाब ये है कि इफ़ यू सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस, अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं और जो एज आपकी एज फैक्टर है वो भी आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो यस यू मे अप्लाई।
उसके साथ है जी सातवां क्वेश्चन, मेजर व्हाट मेजर्स आर इंक्लूडेड इन द स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप जापान ऑफर करता है इसके लिए कौन कौन से मेजर्स मौजूद हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स आर प्रेजेंट यहाँ जापान के अंदर, जितने भी फैकल्टीज हैं इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेज, लाइफ साइंस, जितनी भी हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, लेकिन ढूंढनी आपने आपको खुद पड़ेगी, आपको खुद जो है ना होमवर्क करना पड़ेगा, नो वन इज़ गोइंग टू डू दैट फॉर यू। तो आपको खुद मेहनत करनी और शॉर्टलिस्ट करनी है कि कौन कौन सी रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपकी फील्ड जो है ना वो करवाती हैं, जो फैकल्टीज हैं उधर। इसके साथ है जी जो एट्थ क्वेश्चन है वो है कि आपका जो रिकमेंडर है जो आपको रिकमेंडेशन लेटर देगा, अगर वो आप उस कंट्री में मौजूद नहीं है और बाहर की कंट्री में है, तो क्या वो कैसे जो है ना आप रिकमेंडेशन लेटर सील्ड फॉर्म में जो है ना वो भेज सकते हैं। पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जो रिकमेंडेशन लेटर वो इनिशियल स्टेजेस पे रिक्वायर्ड नहीं होता, जब आप एमएससी आपको रिकमेंड कर लेती है तब वो आपको ज़रूरत पड़ता है लेटर स्टेज के ऊपर। और हाँ, अगर आपका रिकमेंडर कोई बाहर बैठा हुआ है आपके क्वेश्चन के मुताबिक, तो आपको वो ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, और आप जो है ना फिर आप एम्बेसी को या आपने अगर जापान के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी को भेजने तो आप उनको वो भेज सकते हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। नाइन्थ जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है कि आई एम इन माई फाइनल ईयर ऑफ स्टडीज़, कैन आई अप्लाई, कि जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है विदाउट, कि ट्रांसक्रिप्ट तो है निज़ार और वो फाइनल ईयर में है, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है। तो मैं बताता चलूँ कि इफ़ यू आर इन द लास्ट ईयर एंड यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, अगर आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि उस साल के एंड तक आ जाएगा, तो यस यू कैन अप्लाई। अगर आप अंडर ग्रेड कर रहे हैं और मास्टर्स की अप्लाई करने लगे हैं तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ना डिपार्टमेंट से एक होप सर्टिफिकेट मिलेगा, आप वो जो है ना अपने डिपार्टमेंट से लें और वो अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। लेकिन जब आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाएगी तब आपको आपका जो रिजल्ट है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट है या आपकी डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, वो आपको भेजना पड़ेगा जापान में या एम्बेसी जब डिमांड करेगी। ये हो गया जी हमारा टेंथ पॉइंट। इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन के साथ मैं बताता चलूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो चाइना में बैठे होते हैं या दूसरे, उन्होंने भी हमसे पूछा है कि हम यहाँ पे ना मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं, हमारे दो सेमेस्टर हो चुके हैं और हमारी रिसर्च वगैरह बाकी रहती है, तो हम क्या करें, क्या हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करें जापान के अंदर या हम पीएचडी के लिए अप्लाई करें, क्योंकि वो फंसे होते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर उनके जो बैचलर्स के मार्क्स हैं, जीपीए काफ़ी अच्छा है, तो वो जा सकते हैं अपने या उसके लिए मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इन केस अगर वो उनको लगता है कि जो आपकी मास्टर्स है वो इन टाइम हो जाएगी, जैसे मैंने बताया आप होप सर्टिफिकेट भी के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप बेहतर है कि आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें, आप उसके साथ जा सकते हैं। 11th जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है कि डू आई नीड टू सबमिट द प्लेसमेंट प्रेफरेंस फॉर्म, जो प्रेफरेंस जो आप देते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ की, जिस लैब में आप जाना चाह रहे होते हैं जिस यूनिवर्सिटी में, तो क्या वो जो आप एडमिशन के लिए जो आप जो एप्लीकेशन भेज रहे होते हैं एम्बेसी को, क्या उसके साथ भेजने लाजमी हैं। तो अब मैं पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि जब आप इनिशियली अपनी एप्लीकेशन भेज रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, तब ज़रूरत नहीं होती इसकी। हाँ, लेटर स्टेज पर जो है ना जो आपका जो प्लेसमेंट है प्रेफरेंस जो आप वो आप लाजमी देंगे लेटर स्टेज पर, जब आप इनिशियली स्क्रीनिंग से पास हो जाएंगे, आप रिकमेंड हो जाएंगे एम्बेसी से। उसके साथ है जी जो 12th फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है कि डू आई चूज द यूनिवर्सिटी और द एम्बेसी दस, तो ये पूछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या एम्बेसी हमें यूनिवर्सिटी ढूंढ के देती है, हमें खुद ढूंढनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है कि यू हैव टू डू दैट जॉब बाय योरसेल्फ, कि आपने खुद अपनी यूनिवर्सिटी और अपनी लैब ढूंढनी है कि कहाँ आपने जाके पढ़ना है, किस प्रोफेसर के पास जाके पढ़ना है, तो आपने खुद सारा होमवर्क करना है, पहले से कोशिश करें कि जो है शॉर्ट लिस्ट अपनी ये सारी चीज़ें करके रख लें एम्बेसी के रिकमेंड होने से पहले एम्बेसी से। और 13th जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर द मटेरियल्स फॉर द एग्जाम्स, और साथ साथ ये भी पूछते हैं कि जो जापानीज़ एग्ज़ाम है क्या वो टेस्ट देना लाजमी है। तो सबसे पहले तो मैं जापानीज़ टेस्ट का बता देता हूँ कि वो होता लाजमी अपीयर होते हैं। हमारे जो आरिफ भाई हैं जो जिन्होंने अभी कैमरा पकड़ा हुआ है, ये भी जो है ना अपीयर हो चुके हैं वहाँ पे एम्बेसी के थ्रू जब ये आ रहे थे, तो उसमें अपीयर हो जाएं इस जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो लेकिन इसका नॉलेज होना जापानीज लैंग्वेज का इट्स नॉट मैंडेटरी, अब कोई ऐसा मसला नहीं है, आप अपीयर हों खाली, लेकिन नॉलेज लेने की या इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ जो मटेरियल एग्ज़ाम का वो है, इसके साथ जो सॉरी जापानीज़ लैंग्वेज का टेस्ट है, इसके साथ ना इंग्लिश का टेस्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी इंग्लिश की जो क्रेडिबिलिटी है, जो इंग्लिश का लेवल है, वो आपको यहाँ से चेक होता है, और इसी के थ्रू आप ना प्रॉपर फिर स्क्रीनिंग होती है और आपको रिकमेंड करते हैं फर्दर इंटरव्यूज़ के लिए। तो ये गेट टाइप ना जो है ना टेस्ट होता है, आपके सैम्पल्स भी यहाँ पे जो एम्बेसी की वेबसाइट पे, पाकिस्तान जापान की जो एम्बेसी पड़ी हुई पाकिस्तान में, उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको पास जो सैम्पल पेपर हैं वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने टेस्ट दिए हुए हैं। और 14th क्वेश्चन है वो है जी विल आई हैव टू टेक एन एंट्रेंस एग्जाम बिफोर स्टार्टिंग द यूनिवर्सिटी इन जापान, वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि जो यूनिवर्सिटी क्या जापान के अंदर जब हम जाएंगे तो क्या हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली होता नहीं है, जब एम्बेसी से रिकमेंड हो जाते हैं तो नॉर्मली वो नहीं लेती यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो आपसे अपना उनका अगर कोई डिसीजन लेती है
then the university can take that entrance exam, और आपको वो entrance exam clear करना पड़ेगा लाजमी, अगर वो लेती है तो. लेकिन sometimes ऐसा होता है, अक्सर ऐसा नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या मैं अपनी फैमिली को साथ ले सकता हूँ, और क्या जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज हैं अगर मैं मैरिड हूँ, मेरे फैमिली के जो मेरी वाइफ हैं या मेरे बच्चे हैं उनके एक्स्ट्रा अलाउंसेज देती है क्या स्कॉलरशिप? तो सबसे पहले ये है कि जब आप यहाँ से ट्रैवल करते हैं, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान से ट्रैवल करेंगे जापान की तरफ, तो आपको फैमिली साथ ले जाने की जो है ना इजाज़त नहीं जाएगी इनिशियल स्टेज के ऊपर. लेकिन जब आप जापान पहुँच जाएंगे तब आप वहाँ पर प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, 3 से 6 महीने जो लग जाते हैं, आप अपनी फैमिली को जो है ना लाने के लिए जापान के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं. जब वो आपको लेटर देते हैं, फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर, तो वो आप वापस भेजेंगे, वो एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर होता है, हफ्ते का होता है, तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं. और इसके साथ जो अलाउंस रहता है वो जो है ना बच्चे का कोई तकरीबन ऑलमोस्ट 15,000 हर बच्चे का यहाँ पे जो है ना देते हैं. और उसके साथ साथ इतनी आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट ज़रूर होती है कि अपने फैमिली के एक्सपेंसेस जो है ना कवर कर सकें. नवीद भाई आप अकेले हैं अभी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल अकेला हूँ और मेरी लाइफ अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह. और इसके साथ साथ जो 16th जो क्वेश्चन है हमारा वो है जी, आई एम ऑलरेडी इन अ कॉलेज, क्या ना इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, क्या मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अपनी जो डिग्री वो कर रहा है, बिलफर्ज मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मैं चाइना के अंदर हूँ, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि क्या मैं इसी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ 3rd semester से या 4th semester से? तो ऐसा नहीं होता, यू हैव टू स्टार्ट योर डिग्री फ्रॉम द वेरी 1st semester इन जापान. ठीक हो गया, तो इसका आंसर है कि नो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी 1st year इन द जापानीज यूनिवर्सिटी. इसके साथ है जी क्वेश्चन कि क्या जो है ना अगर मेरे पास कोई और क्वेरीज हो क्या मैं एम्बेसी जा सकता हूँ एम्बेसी के अंदर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिश करेंगे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या चाहिए होती है तो आप एम्बेसी की जो एम्बेसी की वेबसाइट पे गाइडलाइंस पड़ी होती हैं वो पढ़ें, होपफुली जो है ना काफ़ी सारी जो है ना आपको जो मुश्किल हैं उसका हल मिल जाएगा. उसके साथ साथ ये है कि जब आपको कोई मजीद इसके अलावा आपको कोई नहीं मिलता इसका हल, तो आप एम्बेसी की वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर मौजूद होता है, आप वहाँ पर रबता करें उनसे, प्रॉपर जो है ना वो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको बताएँगे आपकी मुश्किल का हल बताएँगे. और इसके साथ साथ जो है ना जो नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है वो पूछते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट कंट्री से भी पूछते हैं, पाकिस्तान से भी पूछते हैं कि जो है ना अगर हमारे पास रिसर्च नहीं है, अगर मैंने मास्टर्स किया है बिलफर्ज तो मेरी कोर्स वर्क के साथ है तो मैं क्या करूं? जब वो थीसिस का पूछते हैं, जब वो एब्स्ट्रैक्ट का पूछते हैं, तो इसके ये यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आप अप्लाई लाजमी करें, आप अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई करें. हाँ, आपके चांसेज जो है ना जो सिलेक्शन के वो थोड़े कम हो जाएंगे कंपेरेटिवली, जाहिर से बात दूसरों के पास थीसिस है, प्रॉपर रिसर्च की हुई है, और क्योंकि ये जो डिग्रीज हैं वो रिसर्च के लिए रिसर्च प्रोग्राम्स हैं तो प्रेफर वो उनको करेंगे, लेकिन आप अप्लाई ज़रूर करें, ये एक अच्छा मौका है. और इसके साथ ही जो है ना मैं इजाज़त चाहूँगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखेगा. फर्दर आपको कोई अगर क्वेरीज हो तो हमें कमेंट्स के फॉर्म में जो है ना आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करेंगे. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.